नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक चौधरी और आई एम द वेरीफाइड एजुकेटर एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक मैथ्स के, करंट अफेयर और साइंस के काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप लोग उन सबको देखिए। वहां पर दोस्तों मेरे टोटल 42,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं, तो आप लोग भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। प्ले स्टोर से जाके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट, और आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और आगामी दिनों में रीजनिंग के ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाऊंगा बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ। इन क्वेश्चंस को आराम से समझिए। खास बात यह दोस्तों, रीजनिंग के जो सारे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको टाइप बाय टाइप कराऊंगा। हर वो टाइप जो एग्जाम में बन सकता है वो सब हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। इससे आप लोगों का कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग हमारे इस टॉपिक को जिसका नाम है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर अलग अलग टाइप बनेंगे। एक टाइप के अंदर आएगा दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, या ऊपर या नीचे से स्थान दिया रहेगा, और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा जाएगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ कुल देकर आपको दाया या बाया स्थान देकर, दाया स्थान दिया होगा तो बाया स्थान पूछेंगे, ऊपर से क्रम दिया हुआ होगा तो नीचे से क्रम पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर आपको आयु और उम्र पर आधारित प्रश्न आता है, आयु पर आधारित प्रश्न आते हैं, या फिर हाइट पर आधारित प्रश्न आते हैं कि रवि मोहन से 2 वर्ष छोटा है, मोहन सचिन से 15 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ी आयु किसकी है। तो ये कुछ टाइप बनेंगे इसके अंतर्गत जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और उम्मीद करता हूं मैथ्स के साथ साथ हमारा ये रीजनिंग का सेक्शन भी आपको उतना ही अच्छा लगे। आप लोग देखते हैं कितना सपोर्ट करते हो रीजनिंग को, देखते हैं मैथ्स को आपने इतना सपोर्ट किया है और रीजनिंग को आप लोग कितना सपोर्ट करेंगे। प्रयास कीजिएगा जितना हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट टाइप क्या बनेगा, टाइप बाय टाइप डिस्कशन करेंगे तो चीजें थोड़ी आसान होती जाएगी। सबसे पहले देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं छोटा सा। रवि का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 11वां स्थान है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे। कक्षा में बाएं से स्थान 15वां और दाएं से स्थान, अब बताइए व्यक्ति तो रवि है, यही बाएं से और यही दाएं से, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए व्यक्ति तो वही है, एक ही व्यक्ति 2 बार जुड़ रहा है, जबकि उसको जुड़ना कितनी बार चाहिए था, 1 बार। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक कंसेप्ट लगाएंगे यहां पर, बाया और दाया दोनों को जोड़िए। देखिए दोनों को जोड़ा 15 और 11, लेकिन ये जो 2 बार जुड़ रहा है इसको 1 बार माइनस कर लो, बस इतना सा कंसेप्ट है, बाया प्लस दाया माइनस 1। तो आप बताइए 15 प्लस 11 करोगे तो आएगा 26, मैं से 1 गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25। बताओ कैसी लगी ट्रिक्स, अच्छी लगी ना, बढ़िया। फिर अगले कंसेप्ट की ओर, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बता सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्या याद रखना, अब देखो कल को ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि रवि का स्थान ऊपर से 15वां नीचे से 11वां, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि रवि का स्थान आरंभ से 15वां और अंतिम से 11वां है, प्रारंभ से 15वां और अंतिम से 11वां है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। जैसे यहां देखिए सॉल्व करते एक और क्वेश्चन को, एक का स्थान आरंभ से 30वां है तथा अंतिम से 18वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका, आरंभ प्लस अंतिम माइनस एक, ये कंसेप्ट है। तो यहां देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, घटाया क्यों जाता, रीजन भी याद रहना चाहिए,
क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों साइडेड जुड़ रहा है। तो 30 और 8 18 48 में से एक गया तो आंसर कितना 47। 47 विद्यार्थी है इस कक्षा में। अब बताओ इससे सरल कुछ होगा क्या दोस्तों? दोनों को जोड़कर एक घटा लो। रीजन याद रखना, दोनों कॉम दो एक ही व्यक्ति कितनी बार जुड़ रहा है? दो बार जुड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो जने तो 17 ही होंगे क्योंकि यहां से एक कॉमन स्थान जुड़ रहा है उसका, उस एक व्यक्ति का। अब ये एक व्यक्ति कौन है? ये एक व्यक्ति कौन हो गया? ए हो गया, ठीक है। तो 29 प्लस 17 प्लस 1 जोड़ लीजिए 10 और 7 17 और टोटल कितना 47। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बेसिक भी समझ सकते हो और ये ट्रिक भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्या क्वेश्चन है हमारा? अब पढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। फर्स्ट टाइप में क्या हुआ था? दाया और बाया देकर टोटल पूछा था, ऊपर और नीचे देकर टोटल पूछा था, या प्रारंभ और अंतिम देकर टोटल पूछा था। अब क्या होगा? टोटल दिया हुआ आएगा, दाया स्थान पूछेंगे, टोटल दिया हुआ आकर बाया स्थान पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड टाइप। किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी है। किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है पहले दोस्तों? 40 विद्यार्थी है। यदि मोहन का स्थान ऊपर से 21वां है तो अंतिम से होगा, तो नीचे से स्थान कौन सा होगा? नीचे से स्थान होगा, यानी क्रम बताना, स्थान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार, पर बेसिक समझ के चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। अब आप समझिए बात को आराम से। कुल 40 विद्यार्थी है। कितने विद्यार्थी है प्यारे दोस्तों? 40 है। तो यहां पर 40 विद्यार्थियों में मोहन का स्थान ऊपर से 21वां, तो हमें क्या करना है? कुल में से आपको स्थान घटा लेना है और उसमें कितना जोड़ लीजिए? एक जोड़ लीजिए। कुल कितना है? 40। 40 में से मोहन का स्थान ऊपर से कौन सा है? 21वां। तो 21 घटाकर इसमें एक जोड़ लीजिए। 40 पहले जोड़ा जाता है, लास्ट में घटाया जाता है। 40 और 41 माइनस 21, तो आप बताइए स्थान कौन सा आ जाएगा? 20वां स्थान। तो ये कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसे लेके चलोगे तो बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं। 80 विद्यार्थी की कक्षा में सचिन का स्थान दाएं से 25वां है। आरंभ से लिख दीजिए, आरंभ से 25वां है तो अंतिम से स्थान होगा। तो वही दो तरीके, दोनों ट्रिक भी लगा सकते हो और बेसिक भी। बेसिक पहले बहुत आसान हो जाएगा। टोटल 80 में से 25 चले गए तो बचे स्थान कितने हैं? 55। 55 में एक जोड़ लीजिए तो आंसर कितना आ गया? 56। एक तो ये लगा लीजिए, नहीं तो फिर कुल स्थान में से इसको घटाकर ये क्या कर लीजिए? प्लस। कुल स्थान में से स्थान को घटाकर एक जोड़ लीजिए। 80 और 1 81 में से 25 गए, 11 में से 5 गए, 6 7 में से 2 गए 5, तो आंसर कौन सा आ गया? 56। नहीं तो टोटल तरीका था ही, टोटल 80 में से 25 स्थान चले गए तो बच्चे कितने? 55। 55 के अंदर एक जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा 56, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट वन। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगे। आप लोग अपना सपोर्ट मैथ्स की तरह रीजनिंग के ऊपर भी जरूर बनाए रखें। एक और टाइप 3 है जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि व मोहन का स्थान ऊपर से क्रमशः 7वां व 11वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा?
नीचे से कौन सा स्थान होगा, वही तरीका दोस्तों, नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 31 में से अगर आपको पूछे रवि का और अगर आपको पूछे मोहन का, हमें तो दोनों का पूछा गया है तो दोनों का बताना पड़ेगा। वही 31 में से 7 घटा के 1 जोड़ लो, 31 में से 11 घटा के 1 जोड़ लीजिए, 31 और 1 32, और 32 में से 7 गए, 12 में से 7 गए तो 5, तो आंसर आया 25। और यहां देखो 32 में से 11 गए, 2 में से गया 1, 3 में से गया 2, तो आंसर आएगा 21। तो आंसर आ जाएगा 25वां और 21वां स्थान। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और कर सकते हो आप लोग चाहो तो, बहुत आसान। जैसे यहां मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज कर दूं, क्रम चेंज कर दूं, तो आप लोग आराम से आंसर बता सकते हो। या मान लीजिए 23 विद्यार्थियों की कक्षा में इनका स्थान 13वां और 14वां है, तो आप बताइए जल्दी से उत्तर क्या होगा फिर इसका। 13वां और 14वां स्थान होता तो आंसर कितना आता, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 23 होते तो हम रवि का स्थान कैसे पता करते फिर। रवि का वही तरीका दोस्तों, 23 में से 13 घटा के 1 जोड़ लो, या 14 घटा के 1 जोड़ लो, 23 और 1 24, 24 में से 13 घटाइए, तो यहां देखो 7 और 4 11 बचे, और यहां देखो 24 में से 14 घटाइए रिमेनिंग बचा 10, तो आंसर आ जाएगा 11वां और 10वां स्थान। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू को घटा के 1 प्लस करना है, वैल्यू को घटा के 1 प्लस करना है। ठीक है, किसी पंक्ति में टाइप 4 है, किसी पंक्ति में पी का स्थान दोनों सिरों से चाहे वो दायां और बायां सिरा बोलो या ऊपर या नीचे सिरा, दोनों सिरों से 12वां व 16वां है, 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र है, कितने छात्र है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, दोनों सिरों से 12वां और 16वां है, तो पंक्ति में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर ये क्या कर लो, घटा लो, दोनों को जोड़ोगे तो 28 में से ये गया, तो आंसर कितना 27। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कंसेप्ट था जिसे लेकर आप लोग चल सकते हो आराम से और इन चीजों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसको स्टार्ट किया टॉपिक को हमने, आगे भी और वीडियोस आएंगे जिसके अंदर हम इसके और भी पार्ट्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करना है, साथ ही दोस्तों रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना है, साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू।